नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई विधानसभा के बरोदिया नौनागिर में घटना होती है। घटना दो तीन दिन पुरानी है, जिस घटना में भीड़ ने, ये कहा जा रहा है कि भीड़ ने एक युवक को पीट पीट कर दिया, साथ ही उसकी मां बस संग उसके मकान को तोड़ दिया। इन तमाम चीजों के बीच में पुलिस अब ये कह रही कि मॉब लिंचिंग है, जबकि वहां की आवाम, वहां की जनता क्या कहती है, जरा इस खबर में देखें। लेकिन जो मृतक की चाची है उसका ये कहना है कि तकरीबन 1000 लोगों ने उसके घर पर हमला किया है और उसके भतीजे को मार डाला है। इस पूरी खबर हम परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। तो देखिए इस खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस की। मध्य प्रदेश के सागर में एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसके चर्चे पूरे देश में। इस मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है। बीते 5 दिन पहले दलित युवक लालू की हत्या के पीछे उसकी बहन के साथ हुई छेड़खानी के मामले में राजीनामा का दबाव बनाने का जिक्र आया है। कुछ दबंगों ने इस दलित युवक की मनाही पर उन्हें पीट पीट कर मार डाला, लेकिन पुलिस के कागजी पन्ने बता रहे हैं कि छेड़खानी की पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई। यह पूरी वारदात इस वजह से सुर्खियों में कि यह मामला खुरई विधानसभा का है और भाजपा के मंत्री भूपेंद्र सिंह का क्षेत्र है और जो आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बरोदिया नौनागिर की इस घटना में कांग्रेस इस हत्याकांड को जबरदस्त तूल दे रही है, लेकिन इस गांव के लोग और आसपास के ग्रामीणों के साथ पुलिस इस मामले को मॉब लिंचिंग करार दे रही है, यानी भीड़ के द्वारा इस शख्स की हत्या की गई है। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा, पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन बस स्टैंड, सागर। साथ ही इस बात का जिक्र है कि बरोदिया नौनागिर में कुछ कुरेसी यादतन अपराधी हैं, जिनके इशारे पर मृतक लालू और उनका भाई चाचा अपराधों को अंजाम देते थे, जिससे कई गांव के लोग परेशान थे। मृतक लालू, उसके बड़े भाई विष्णु और चाचा राजेन, तीनों पर 27 मामले दर्ज हैं। साथ ही 2021 में इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी विक्रम सिंह पर कुरेशी बंधु इमरान, आमिर, सोहेल, सब्बीर, फैसल के साथ मृतक के सगे भाई विष्णु और चाचा राजेंद्र अहरवार ने प्राण घातक हमला किया था। इस मामले में 307 का उस वक्त मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में गोली भी चली थी। इसी मामले का कुछ ही दिनों में फैसला होना था, तब इमरान कुरेशी के कहने पर मृतक लालू 3 दिनों से लगातार इस गांव में दहशत फैला रहा था कि डरकर विक्रम सिंह राजीनामा कर ले। वारदात के दिन लालू ने विक्रम पर तलवार से हमला किया था, लेकिन एक शख्स ने तलवार रोकी और उसकी अंगुलियां कट गईं। इस बात से खफा जनता ने, भीड़ ने लालू पर हमला कर दिया और उसका घर भी तोड़ दिया और उसको पीट पीट कर मार डाला। साथ ही उसकी माँ की भी तौहीन की गई। पुलिस और लोगों की जुबानी इस बात पर मोहर लगती नजर आ रही है। अब खुद मृतक की चाची ने कहा है कि 1000 लोगों ने हमला किया था। अब 1000 लोग भीड़ ही होती है। इस गांव की आबादी 2500 है, उसमें 1000 अगर लालू पर हमला करती हैं तो यह मानकर चलना चाहिए कि लालू और उसके परिजनों से यहाँ की बस्ती खफा थी। वहाँ पर घटना हुई हमारी जेठानी की, जेठानी को मारा पीटा, मकान तोड़ा और वो लालू भाई को मारा है, उसको मार कर फिर 1000 आदमी हमारे घर पर आए। हमारे बच्चों लोगों ने धमकी दी, हमारे पति को धमकी दी, अगर हम हाथ लगा कर गेट को नहीं हम खड़े होते तो हमारे बच्चे भी मर जाते, हमारे पति भी मर जाते। और हमने जो कही के नहीं गेट नहीं खोलो तो कहे हम तोड़ डालेंगे, तुम क्या करोगे। हमारा फ्रिज भी खोल के देखा, हमारे अंदर भी जूता चप्पल पैर के घुसे पूरे 1000 लोग थे। और हम ये चाहते हैं कि न तो हमारे बच्चे पे आँच आए, न हमारे पति पे आँच आए। 200 साल से उनकी गलती कोई नहीं पकड़ रहा, और थोड़ी बहुत अगर गलती हो भी गई तो बस्ती वालों के लाने सब पूरी बस्ती ने गलती करी के एक जनों गलती करे थे।
लंबड़दार परिवार कैसा है? लंबड़दार परिवार जैसा हमारे क्षेत्र में कोई लंबड़दार नहीं है, एक नंबर लंबड़दार है। उनकी कोई गलती नहीं है, बहुत सबरदार हैं। उन पे आरोप लग रहा है जो उन पे आरोप लग रहा है ये झूठे लग रहे हैं। तो महिला का उसमें आरोप लगा है कि उनने बिल्कुल झूठा है, उसमें कोई सच्चाई? हाँ, अब वे अगर दिग्विजय से वे आ भी रहे कमलनाथ, तो कमलनाथ थोड़ी इतने रह रहे, हमने रह रहे बस्ती में, हमारे मालूम है कि इतने की स्थिति है का नहीं पा रहे। बस 200 साल से हमारे देख रहे हैं कि कितनों अन्याय हो रहा। कमलनाथ थोड़ी देख रहे, जो बस्ती में प्रॉपर रह रहा है 200 साल से, उसके लाने मालूम है कितने हो कर रहा। जो कैसा आतंक रहा, मतलब कैसी घटनाएं घटित करते थे? अरे रात भर उनके लाने चोरी करने, दिन भर गुंडागिर्दी करने, कोई थोड़ी बहुत कछु के वे तो मारपीट करने। अब बस्ती कहाँ तक सबर कर है, और एक आदमी के साथ में नहीं, पूरे क्षेत्र के साथ में यही हालत बनी थी। अबे तो बरोदिया का हम तो कह रहे 10-20 गांव से, अबे आदि विधानसभा क्षेत्र कह रहे जा चीज एक इनको व्यवहार है कैसा। जो उस दिन घटना घटी वो एक परिवार के द्वारा घटित की गई कि पूरे बस्ती? पूरा गांव और कछु क्षेत्र के भी है थे बाहर के। कितने लोग होंगे लगभग? लगभग उतने तो कम था, 1500 आदमी है तो कोई गिनती नहीं है। सबने मिल गए वहाँ? सबने, वो कोई पता नहीं है कौन ने कि तो मारो मारो कि नहीं मारो। तलवार धरी जब मार रहे थे, तो जब तलवार धरी जब मार रहे थे तो दूसरे ने जब पकड़ी तो उसकी नुंगलियाँ भी कट गई। नुंगलियाँ कट गई तो फिर बिचल्ले आने भैया के बचाओ, तो फिर बस्ती वाले दौड़े हमारा लंबरदार के आगे। हमारे क्षेत्र में कोई लंबरदार नहीं है, किसी से गलत नहीं बोलते हैं, बहुत सही आदमी है। लंबादार पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जी, लंबादार को जो आरोप लगे हैं बहुत गलत है। उनने के मान लो कि धोती मोती की जो कही है कि बस सब गलत है, और जो धोती की कही है कि जो कुआई गई है उससे राजनीति करी जा रही होती है, तो राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है, कर रहा राजनीति जी। अब जय लोग कांग्रेस वाले सब अच्छे, हमें कुछ नहीं किया, मगर जो हम हम तो अच्छे हैं लंबादार गाँव के, बस ठीक है। सबकी वो करते हैं, हिम्मत करते हैं सबको, वो अच्छे हैं, गाँव वाल की सेवा करते हैं, हमें वो किसी से गलत नहीं है, लंबादार तो अच्छे हैं। कुछ लोगों ने भी यही कहा है कि पूरी बस्ती ने लालू पर हमला किया है, हम कई दिनों से परेशान थे तब यह हमला हुआ है। बहरहाल इस मामले में कांग्रेस हल्ला बोल रही है, साथ ही एक समाज को टारगेट करती दिख रही है। लेकिन इस मामले में आरोपी ठाकुर भी है, रैकबार भी है, सोनी भी है, दलित समाज के लोग भी हैं और मुस्लिम भी शामिल। अब गांव के लोग सच बोल रहे हैं, मृतक की चाची भी ये बयां कर रही है कि 1000 लोगों ने हमला किया है। क्या पुलिस सच बोल रही है या फिर वारदात जो हुई है वो सच कह रही है, इसका फैसला तो अब आने वाले वक्त न्यायालय ही करेगा। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।